अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साबिर और आप देख रहे हैं टेक्निकल साबिर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज आप लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेके आया हूं, व्हाट्सएप का एक नया सीक्रेट बटन जिसके बारे में दोस्तों शायद किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि ये अपडेट ट्रिक है, फुल नई ट्रिक है, ये 2019 की ट्रिक है। दोस्तों बहुत सारे दोस्त हैं जिनको इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, कोई पता नहीं है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, या मतलब कि दोस्तों जिन लोगों को उर्दू नहीं आती, या जिन लोगों को स्पेनिश ज़बान, मतलब बहुत सारी ज़बानें हैं, तो अगर उन लोगों को नहीं आती तो वो इस बटन से कैसे इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे एक नया बटन शो हो रहा है व्हाट्सएप का, तो यहाँ हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का ये सर्च का आइकन बना हुआ आ जाएगा। हम जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जैसे यहाँ पे रखा तो ये मतलब हमारी ये जो इंग्लिश का मैसेज है ये इसको जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप मतलब जहाँ यहाँ से पकड़ कर जहाँ पे भी आप इसको ले जाएंगे, जहाँ पे भी आप इसको रखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपको टेक्स्ट को जो है ट्रांसलेट करके दे देगा आपको। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे का सारा, आप इसको जहाँ पे भी रखेंगे तो ये आपको जो है ट्रांसलेट करके दे देगा। तो दोस्तों अब वीडियो की तरफ आते हैं कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब पर मौजूद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पे प्ले स्टोर में आ जाना है और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपने सर्च करना है हाई ट्रांसलेटर। ठीक है, आपने ये डाउनलोड कर लेना है व्हाट्सएप से। मैंने इसको जो है सॉरी आपने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, मैंने जो है इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस एप्लीकेशन को जो है ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पे एप्लीकेशन दोस्तों आपको दिख शो हो रही है, तो मैं जो है अब इसको ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो दोस्तों आपसे ये परमिशन मांगेगा, तो आपने यहाँ एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करके आपने इसको परमिशन दे देनी है। यहाँ पे लिखा है हाई ट्रांसलेट, तो आप ये ऑफ है, तो आपने इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपने जो है इसको परमिशन दे देनी है, इसको ओके कर देना है। ठीक है, और फिर आपने भी यहाँ पे बैक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे दोस्तों डन है, तो आपने इसको डन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है योर लैंग्वेज। ठीक है, तो दोस्तों अब आपकी कौन सी ज़ुबान है, आप हिंदी है, उर्दू है, या इंग्लिश है, जो भी ज़ुबान है, तो आपने यहाँ पे अपनी वो लैंग्वेज जो है ज़ुबान जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बहुत सारी ज़ुबानें हैं, आप मतलब कोई भी ज़ुबान, आप आपकी कोई भी लैंग्वेज है तो आपकी तमिल है या फिर मतलब कोई भी है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो दोस्त है वो अमेरिका का है या फिर वो कहीं का भी है, किसी भी मुल्क का है, तो आप उससे मैसेज मतलब वो आपको मैसेज करता है और आप उसके मैसेजेस को कैसे रीड करना चाहते हैं, वो आपको मतलब कि कौन सी लैंग्वेज में मैसेज करता है, तो आपने वह यहाँ पे जो है वो ज़बान मतलब वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों मुझे जो है अब मेरे दोस्त ने इंग्लिश में मैसेज किया था, तो मैं अब इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पे हम मतलब हमारी जो ज़ुबान है वो उर्दू है और मेरे जो दोस्त हैं उनकी जो ज़ुबान है वो है इंग्लिश। तो अब मैंने सेलेक्ट कर ली है, तो दोस्तों यहाँ पे बटन शो हो गया है। तो अगर ये दोस्तों ऑफ है, अब ये देखें ऑफ हो गया है, तो अब इसको जो है हमने ऑन कर दिया है। जैसे मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पर जो बटन है वो शो हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर व्हाट्सएप पर आ जाते हैं, यहाँ पर फिर मैंने व्हाट्सएप ऑन किया और फिर मैंने यहाँ इस बटन पर क्लिक किया। जैसे मैंने इस बटन पर क्लिक किया तो अब मैं इस बटन को जो है पकड़ के जहाँ भी टेक्स्ट पे रखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को जो है ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, ये दोस्तों बहुत ही अमेजिंग ऐप है, इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। दोस्तों अगर कोई भी दोस्त आपको किसी भी ज़ुबान में मैसेज करता है तो आप उसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपको किसी डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी गूगल ट्रांसलेटर की, आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको जैसे आपका दोस्त व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा तो आप बस उसको मतलब कि ये उसका मैसेज रीड करके आप उसको आसानी से रिप्लाई कर सकते हैं।
और दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप पे ही नहीं बल्कि फेसबुक पे, मैसेंजर पे, आप इंस्टाग्राम पे, आप इस ट्रिक को जो है कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये जो एप्लीकेशन ये आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही काम नहीं करती बल्कि ये आपको मतलब कहीं पे भी किसी भी एप्लीकेशन में इंग्लिश लिखी हुई है तो ये आपको वहीं की इंग्लिश को जो है ट्रांसलेट करके दे देगी। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ 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 ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बा आसानी पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, आप मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।